हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ दोबारा से चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम अपना वर्कआउट प्री वर्कआउट लेंगे, ब्लैक कॉफ़ी एज अ प्री वर्कआउट। तो उसके बाद हम करेंगे अपनी स्ट्रेचिंग, अच्छे से बॉडी की स्ट्रेचिंग करके उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा जंपिंग जैक और हमारी हाई नी जंपिंग। 50 हमने जंपिंग जैक किया और 50 हम हाई नी जंपिंग करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी साइकिलिंग। साइकिलिंग करना है हमने 4 से 5 मिनट, हम अच्छे से साइकिलिंग करेंगे वार्म अप करके। उसके बाद जैसे कि आज हमने करना है चेस्ट एंड ट्राइसेप्स वर्कआउट, सबसे पहले हम अपना बड़ा मसल्स चेस्ट को ट्रेन करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे पुशअप। इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से कैसे हमने अपने बॉडी को रखना है, ऊपर होल्ड करना और स्क्वीज करना चेस्ट को। इसके हमने 50 रेपिटेशन किए थे। उसके बाद आती है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, आती है हमारी बेंच प्रेस फ्लैट बेंच पे। तो इसमें हम पहले थोड़ा नॉर्मल वेट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें हैवी वेट। इसके हमने करने हैं 4 सेट लगाने हैं। नंबर ऑफ रेपिटेशन रहेगा हमारा 12 to 15। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो हमारा मिडिल चेस्ट है उस चेस्ट को ट्रेन करेगा। ये हमारे बिल्कुल निपल्स के पास, निपल के ऊपर रखना है बिल्कुल मिडिल पार्ट पे। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज केबल फ्लाई। इसके हमने लगाने हैं 3 सेट। नंबर ऑफ रेपिटेशन 12 to 15। वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखेंगे और पीछे ज़्यादा नहीं लेके जाना ताकि शोल्डर पे स्ट्रेन ना आए। 3 सेट लगाया इसके हमने। उसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज इनक्लाइन बेंच प्रेस। ये हमारे बिल्कुल क्लेविकल बोन है जो उसके पास रहेगा, उसे हल्का सा नीचे, जैसे नीचे है स्लो एंड देन अप स्ट्रेच करके स्क्वीज करना है चेस्ट को। अपर चेस्ट के लिए काफ़ी बेस्ट एक्सरसाइज है। इसके हमने किया 4 सेट। उसके बाद आती है हमारी डिक्लाइन फॉर लोअर चेस्ट। नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम रहेगा 12 to 15। सेट लगाएंगे 4। तो आप देख सकते हैं हमारी लोअर चेस्ट को ट्रेन करेगा, ज़्यादा ऊपर रोड को नहीं रखना। उसके बाद हमारी लास्ट एक्सरसाइज लगाएंगे हम चेस्ट में अप टू लो वाली केबल। ये हमारे साइड चेस्ट एंड लोअर चेस्ट दोनों में ही कोई टारगेट करता है और दोनों के फैट को बर्न करने में भी हेल्प करेगा और चेस्ट को काफ़ी अच्छी शेप देगा। उसके बाद हमने स्टार्ट करना है हमारा ट्राइसेप्स मसल्स। ट्राइसेप्स मसल्स में हम सबसे पहले डिप्स लगाएंगे इस तरीके से। हमने फ्लैट बेंच लेना और वेटेड लगाएंगे हम ये। तो नंबर ऑफ रेपिटेशन जितना आपसे मैक्सिमम लगे वन टाइम में, तो इसके हमने टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन करना है 100। आपसे 10 लगे, 20 लगे, उसके बाद 100 करने के बाद हमने नॉन स्टॉप 50 रेपिटेशन लगाया था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा पंप आ चुका है आर्म्स में, ट्राइसेप्स मसल्स काफ़ी पंप है। वह जरूर ट्राई करना ट्राइसेप्स में, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है हमारी जो डिप्स है, जो बेंच पे मैंने बताया, ये मेरी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है। उसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हमारी दूसरी ट्राइसेप्स में पुल डाउन, लेइंग पुल डाउन। तो देख सकते हैं सेम नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम 12 to 15। वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सेट लगाएंगे 3। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी ओवर हेड रॉड। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ज़्यादा सर से पीछे हमने रॉड को लेके नहीं जाना, जैसे ही पीछे आया होल्ड करना है सही और आगे की तरफ स्ट्रेच स्क्वीज करना है ट्राइसेप्स को। उसके भी हमने ओवर हेड में भी 3 सेट करने हैं। उसके बाद आती है हमारी रिवर्स सिंगल आर्म करेंगे हम। तो हमने इसमें केबल में जो एंगल लगाते हैं चेस्ट में केबल फ्लाई में, वो वाला एंगल डालना है और सिंगल आर्म करना है इस तरीके से। तो ट्राइसेप्स काफ़ी अच्छा विजुअल था। 3 सेट लगाएंगे, नंबर ऑफ रेपिटेशन सेम 12 to 15। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी डबल एंड डंबल। तो ये हम खड़े होकर लगाएंगे, इसके लगाने हमने 4 सेट। नंबर ऑफ रेपिटेशन रहेगा इसमें 15 से 20, 4 सेट दे और हैवी वेट। तो देख सकते हैं ये हमारा चेस्ट एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट फिनिश हुआ। तो ये आपने ऐड करना है अपने चेस्ट एंड ट्राइसेप्स के वर्कआउट में। आज हमने चेस्ट में डंबल बिल्कुल भी नहीं लगाया, सब हमने पूरा को पूरा बेंच लगाए थे, रॉड से लगाया। तो आप काफ़ी अच्छा पंप आया चेस्ट में भी और ट्राइसेप्स में भी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा।